morning. Today is 29th April 2020 and I am taking class 4 Hindi. Okay, so in for lesson 1 is done. We were doing lesson 2, right? So lesson 2 we were reading about Anyay ke virodh mein, right? So this time what happened? We were talking in this story we were talking about Julia. So Julia was a what? Julia ek governess thi. Governess meaning jo बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें क्या कहते हैं? गवर्नेस, राइट? सो गवर्नेस थी, तो क्या हुआ? उन्हें उसे उसके मालिक ने बुलाया, राइट? सैलरी की बात करने के लिए. ओके, सो सैलरी के सैलरी में क्या होता है? सो मालिक ने जूलिया के साथ बात हुई थी 40 रूबल की. 40 यानी 40, राइट? सो रूबल इज अ फॉरेन करेंसी. ओके, सो रूबल मीनिंग मनी, राइट? रूबल इज मनी. जैसे इंडिया में वी से रुपीज, राइट? इन चाइना वी से येन, राइट? दैट्स वे रूबल इज अ करेंसी. सो 40 करेंसी की बात हुई थी, राइट? हर महीने. लेकिन मालिक कहता है कि नहीं, 30 की हुई थी, राइट? सो वो कैलकुलेट करता है, राइट? 2 मंथ्स का एंड देन वो फिर से उसकी गलतियां दोहराता है, राइट? गलतियां मतलब एक बार उसकी बच्चे का शूज चोरी हो गया, उसका पैसे काटा. फिर कप एंड प्लेट्स टूट गए उसके हाथ से, तो उसका पैसा काटा. सो दिस टाइप आफ्टर काटने के बाद 41, राइट? सो 30 में से 60 हुआ, सो 41 रूबल. ओके, सो 41 रूबल उसे दिए गए. पर जूलिया कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों में आंसू थे. क्यों? क्योंकि मालिक गलत तरीके से उसका पैसा काट रहा था. ऑलराइट, और उसने छुट्टी ली थी. छुट्टी दैट इज बेसिकली ऑफ डेज. ओके, बट वहां पे भी मालिक ने क्या किया? पैसे काटे. सो ही वाज saying, right? तो पैसे काट रहे थे, तो and then at the end in the page, right? So he said that he gave her 10 rubles in January. Now we'll go to page 10, right? जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं. जूलिया ने दबी आवाज से कहना चाहा. दबी मीनिंग वेरी स्लोली. शी वांटेड टू से दैट ही डिड नॉट गिव हर एनी मनी, राइट? अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ. तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाओ डायरी. सो व्हाट मालिक सेड दैट, आर यू सेइंग दैट आई एम लाइंग? मैं सो ही सेइंग दैट ही राइट्स एवरीथिंग डाउन इन अ डायरी. सो ही सेइंग शुड आई शो यू माय डायरी बिकॉज़ आई हैव रॉट इट डाउन इन माय डायरी, राइट? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे. सो जूलिया ने बाद में क्या कहा? उसने कह दिया क्योंकि बिकॉज यू सेड मे बी दैट इज ट्रू, राइट? दिए होंगे, नहीं दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा. तो ठीक है, घटाई घटाओ 27, 41 में से बचे 14. क्यों? हिसाब ठीक है ना? सो देन द मालिक ही इन अ कठोर स्वर, कठोर मीन्स वेरी हार्ड वॉइस, स्टर्न वॉइस. सो ही सेड दैट आफ्टर कटिंग ऑल दैट अल्टीमेटली हाउ मच मनी डिड शी गेट? शी गेट 14 रूबल्स, राइट? 14 यानी 14. उसकी आंखें आंसुओं से भर थी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया. वो कांपती आवाज में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं. सो जूलिया सेड दैट टिल नाउ आई हैव गॉट ओनली 1 टाइम मनी, राइट? एंड हाउ मच डिड शी गेट? शी गॉट 3 रूबल्स, दैट वाज गिवन बाय द मैन्स वाइफ. अच्छा, मैंने सर में आश्चर्य भरकर था, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं. देखो हो जाता है ना अनर्थ. खैर मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ. हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल. तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल देख लो, ठीक है ना? सो व्हाट हैपेंड इज दैट व्हेन शी सेड दैट हिज वाइफ ऑल गिव हर 3 rubles, right? So what did he say? Why didn't you tell me? Unheard ho jata, but something big would have happened, right? Calculation mistake. But what did he do? He again got those 3 rubles that his wife gave her again, right? So ultimately she got what? Only 11 rubles
for salary. Tanhuah meaning salary. Okay, salary when you work and you get the monthly income, that is salary. Okay. उसने कांपते हाथों से 11 रुपए लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे में विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद. सो व्हाट हैपेंड इज दैट इन अ वेरी पोलाइट वे शी सेड थैंक यू एंड टुक द मनी पुट इन हर पॉकेट. मैं क्रोध से उबलने लगा. कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने ऊंचे स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद. अब मुझे नहीं रहा गया. मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, इसके बाद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो. सो व्हाट हैपेंड. The man got really angry because she said thank you, right? Then when he asked why are you saying thank you, he said because you gave me money, right? So what happened? Man got extremely angry and he shouted to the governess. She shouted at the governess, right? कि मैंने तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए, right? Because I cheated your money, right? मैंने तुम्हें मिलने वाले पैसे आधे मार लिए थे, right? So why are you saying thank you? That's why the man got really angry. उन लोगों ने तुम्हें एक पैसे भी नहीं दिए जूलिया. मुझे यह बात सुनकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा है. मैंने कहा. फिर मैं स्वर धीमा करके बोला, जूलिया मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें ये सबक सिखाना चाहता था. जूलिया मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं रखूंगा. देखो ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा. सो व्हाट हैपेंड. द मालिक वाज नॉट एक्चुअली चीटिंग हर मनी, राइट? ही वाज जस्ट प्लेइंग अ लिटिल प्रैंक ऑन हर, राइट? Because previously it seems, right, someone did not give her money for her work, right? Before she worked somewhere, they did not give her even one single rupee, right? Ruble. And that's why this man, he played a mazak, a prank on her. जूलिया क्या आवश्यक है कि व्यक्ति भला कहलाए जाने के लिए इतना डब्बू भीरू और बोडा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करें. सो व्हाट ही सेइंग इज जस्ट टू शो दैट यू आर अ गुड पर्सन, राइट? क्योंकि तुम अच्छे दिखना चाहते हो दूसरों के सामने. क्या जरूरी है दैट यू हैव टू प्रिटेंड लाइक अ वेरी डम पर्सन, बिहेव लाइक अ डम पर्सन, राइट? डम मीनिंग स्टूपिड, दैट यू कांट इवन स्पीक आउट, राइट? तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हें बोलना चाहिए कि ये गलत है, राइट? So you should not just keep quiet, right? It is not necessary. Just because you speak, that does not mean you are a bad person, right? If something is wrong, right, you have to speak, okay? बस चुपचाप रहे और सारे अत्याचार सहता जाए. नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा. अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ. मत भूलो जूलिया कि इस संसार में डब्बू और बोले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है. सो व्हाट ही इज सेइंग इज दैट जस्ट टू मेंटेन योर आइडेंटिटी, राइट? यू आर अ पर्सन, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पीक आउट, राइट? यू शुड नॉट कीप क्वाइट जस्ट बिकॉज समथिंग इज बीइंग डन रॉन्ग विद यू. Right, you have to speak out instead of keeping quiet because this world is very nirmam. Okay, so that's why to live in here, you have to be strong and you have to speak when someone is doing wrong to you. Okay, so that was the message of this whole story. The writer of this is Anton Chekhov. Anton Chekhov. Chekhov is a Russian name, I think. Right. So Shabdarth, you all read the Shabdarth. Okay. Now go to page 12, Maukik Uttar DJ. So Maukik Uttar DJ and most probably one word answers. Right. Julia ko lekhak ke yahan kaam karte hue kitne mahine hue the. So how many months she have been working
In here, she have been working for 2 months. Do mahine. Write the word. Either write in word do, or when you write the number, you write it in Hindi letter. Right? You all know what's a Hindi numbers, right? So write do in Hindi number. Right? Either that or write in spelling. Do ka spelling. Right? Do mahine. नौ रविवार और तीन छुट्टियों के लिए लेखक ने कितने रूबल कटे? सो हाउ मेनी मनी डिड ही कट? हाउ मच मनी डिड ही कट? राइट? सो लेट्स सी, जूलिया को लेखक की पत्नी ने कितने रूबल लिए थे? हाउ मच मनी? 3 रूबल. ओके, लेखक ने जूलिया को अंत में कितने रूबल दिए? सो अंत में, एट द एंड, राइट? हाउ मच मनी डिड शी गेट? शी गॉट 80. ओके, मीनिंग पर मंथ 40 रूबल, राइट? शी वर्क फॉर 2 मंथ्स, सो शी गॉट 80 रूबल. ऑलराइट, देन का नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का, दिस ऑल आर वन वर्ड आंसर्स, राइट? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर्स, यू ऑल राइट दिस डाउन, दिस इज अ होमवर्क. का नंबर आई विल गिव यू द आंसर्स लेटर. ओके, सो का नंबर यू डोंट नीड टू डू दैट वन, आई विल गिव यू. नाउ गो टू ग नंबर, किसने किससे कहा? ओके, नहीं भाई 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा था. सो ये किसने किससे कहा? राइट, लेखक ने जूलिया से कहा. जी नहीं, 2 महीने 5 दिन. सो नंबर 2, 2 महीने 5 दिन, जूलिया ने लेखक से कहा. ओके, 1 नंबर लेखक ने जूलिया से कहा, 2 नंबर जूलिया ने लेखक से कहा. ओके, राइट दैट मच. घ नंबर, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए. सो इन द करेक्ट आंसर यू हैव टू टिक, राइट? जूलिया ने अपनी तनख्वाह बताई थी, कितनी तनख्वाह बताई थी जूलिया ने? जूलिया ने बताई थी 40 रूबल, राइट? द एक्चुअल सैलरी वाज 40 रूबल पर मंथ. नौकरानी ने किसके जूते चुरा लिए थे? किसके जूते चुरा लिए थे नौकरी ने? वानिया के या कोलिया के? आई थिंक कोलिया के. जूलिया बच्चों की गवर्नेंस थी, यस. लेखक ने अपनी डायरी में हिसाब लिख रखा था, यस. लेखक ने अपने जूलिया को 80 रूबल लिए, यस. जूलिया ने लेखक को भला बुरा कहा था, नो. लास्ट वन इज नो. ओके, सो दिस वन यू डू, देन द रेस्ट व्याकरण वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.